दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार का नैनपुर आगमन हुआ, जहां जारी प्रोटोकॉल समय से आप 2 घंटे लेट पहुंचे, जहां पर आपने नैनपुर पहुंचते ही सबसे पहले नैनपुर स्टेशन में क्रू लॉबी का निरीक्षण किया। उसके बाद रनिंग रूम, जीआरपी ऑफिस एवं डॉग स्कॉट रूम तथा रेलवे सब डिवीजन हॉस्पिटल का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इसी बीच नैनपुर में उनसे मिलने पहुंचे नगर के जनप्रतिनिधि निवास, मंडला के विधायक अशोक मस्कोले, मंडला विधायक देव सिंह सयाम, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठन के पदाधिकारी एवं जनता महाप्रबंधक से मिलने पहुंचे। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने मिलने वाले जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर पहले रेलवे के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिससे यहां स्टेशन पर बैठे जनप्रतिनिधि नाराज हो गए। तत्पश्चात मुलाकात के बाद जब सामूहिक रूप से सभी ने नैनपुर से मंडला, बालाघाट, जबलपुर से ट्रेन चलने की बात कही, तो महाप्रबंधक आलोक कुमार ने किसी भी तरह से ट्रेन चलाने की बात को लेकर हाथ उठा दिया। जबकि विगत 1.5 वर्षों से गेज कन्वर्सन के बाद मंडला, बालाघाट, जबलपुर, गोंदिया को एक भी ट्रेन नहीं मिली है, तथा पुरानी नैरो गेज ट्रेनें जो चलती थी उनकी भी ब्रॉडगेज बनने के बाद ट्रेन बहाली के संबंध में भी उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और ना ही मैं किसी प्रकार की ट्रेन बहाली या नई ट्रेन चलाने का मुझे अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रेन चलाना रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की बात है। नैनपुर की अन्य छोटी मांगे जो महाप्रबंधक और डीआरएम के हाथ में थी, उसके लिए भी उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर उन्होंने नैनपुर, मंडला, बालाघाट, जबलपुर जिले व क्षेत्र के लोगों की जनभावनाओं का पूरी तरह से नजरअंदाज किया। मीडिया से मुलाकात के बाद उन्होंने किसी भी प्रश्न का सही तरीके से उत्तर नहीं दिया और बातों को किसी भी तरीके से घुमा फिराकर अपने जवाब प्रस्तुत किए, जो जनहित में नाकाफी थे। आज उनसे मिलने के लिए मंडला, नैनपुर, घनसौर, नगरवाड़ा, बालाघाट से जनप्रतिनिधि मिलने आए थे, लेकिन सभी को उनसे बहुत निराशा हाथ लगी। जबकि सभी लोग बड़ी उम्मीद लेकर नैनपुर पहुंचे थे और लग रहा था कि नई ट्रेनें इस क्षेत्र को मिलेंगी। आश्चर्य इस बात का होता है कि ब्रॉडगेज कन्वर्सन के लगभग 1.5 से 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी तथा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद संपतिया उइके और बिलासपुर जोन महाप्रबंधक मंडल नागपुर के प्रबंधक की जिम्मेदारी जनता के प्रति समझ नहीं आ रही है, और जनता की लगातार मांग होने के बाद भी इन मांगों को पूरी तरह से अनसुना और नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, यह तो वही जाने, लेकिन ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि यह सब इस क्षेत्र की रेलवे को निजीकरण करने का विचार नजर आता है, जिससे लगातार क्षेत्र की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अब मंडला, बालाघाट, गोंदिया, जबलपुर में कब ट्रेनें चालू होगी, यह तो भगवान के भरोसे ही रह गया है। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़े की एक खास रिपोर्ट। यह एक पूरी तरह से ऐसा षड्यंत्र है जो आने वाले समय में रेल को निजीकरण करने की दिशा में, उद्योगपतियों को सौंपने की दिशा में एक षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसी भी रचना है जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के दिमाग से परे है, और यह इस बात से प्रमाणित होती है कि यह जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में लोकल पैसेंजर ट्रेनों का यह आवागमन कर रहे हैं, परिचालन कर रहे हैं, जिससे कि स्पष्ट है कि जो गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर का किराया अगर 30 रुपए दे रहा है, और मैं समझता हूं कि बस का किराया वहीं अगर 10 रुपए है, तो वह मजबूरी में बस से सफर करेगा, और रेल विभाग अंततः इस बात का बयान दे देगा कि अब जो है लोगों ने लोकल ट्रेनों में चलना बंद कर दिया और ये बंद कर देंगे लोकल ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेन को। यह एक तरह का षड्यंत्र है जिसकी परिणति हम ये देख रहे हैं। इस दिशा में इतने बड़े पद पर बैठे रेल महाप्रबंधक ने भी किसी प्रकार का कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया है कि ऐसे कौन से कारण है कि गोंदिया से बालाघाट समनापुर तक ट्रेन आ रही है, उसके बाद फिर 40 किलोमीटर के लिए ट्रेन बंद हो जाती है, फिर नैनपुर से जबलपुर तक जाती है, मंडला तक नहीं जाती, चिरडमरी तक जाती है। इस तरह से आम आदमी को लाभ से वंचित करके जो षड्यंत्र पूर्वक जो साजिश रची गई है, इसको लेकर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है, और यह मांग की जल्द से जल्द गोंदिया से जबलपुर के मध्य, मंडला से नैनपुर होते हुए जबलपुर तक, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी नागपुर तक लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ होना चाहिए, अन्यथा जनता अब सड़कों पर उतरकर ये जो षड्यंत्र चल रहा है इसको बेनकाब करेगी। उसमें जो है ट्रेन चलाने के लिए भी उनके द्वारा जो आश्वासन दी गई है, जो समुदाय है ये सब ऐसा जो है हम लोगों ने स्थानीय जन सुविधा की दृष्टि से यहाँ की मांग रखी है। क्या लगता है कि कब तक ट्रेन का संचालन नई ट्रेनों का हो जाएगा? अब वैसे अब तारीख है तो अभी देंगे वो, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि यहाँ के लिए हमारे जो है केंद्रीय
मंत्रालय से भी आप संपर्क करके और भी जो अन्य मांगे हैं ये भी आप